नमस्कार, मैं अनामिका। बिहार की 25 खबरों में आपका स्वागत है। 75% उपस्थित रहने वाले बच्चों को ही मिलेगी राशि। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की 75% उपस्थिति रहने पर ही अब पोशाक के लिए राशि मिल पाएगी, जिसके विषय शिक्षा परियोजना पदाधिकारी के निदेशक ने बिहार के सभी शिक्षा पदाधिकारी और DPO से पत्र लिखिए कहा है कि आप सभी लोग पिछले साल की तरह ही इस साल भी 75% उपस्थिति वाले बच्चों की पोशाक की राशि की मांग करें। सोनपुर रेल मंडल में पिछले महीने से अधिक कमाई का हुआ रिकॉर्ड। गौरतलब है कि सोनपुर मंडल को यह उपलब्धि पिछले महीने में रेल मंडल अनुसार सीनियर DCM चंद्रशेखर प्रसाद के कुशल नेतृत्व, रेल कर्मियों की लगनशीलता और निगरानी के कारण यह मिली है। अब गंगा का पानी होगा पीने योग्य। CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में गया, राजगीर और नवादा जिले में पेयजल की जलापूर्ति के लिए गंगा वाटर स्कीम फॉर ड्रिंकिंग का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें नीतीश ने कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स अकादमी जैसे संस्थान को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। CM नीतीश ने कहा, सड़क निर्माण में अब प्लास्टिक के कचरों का होगा इस्तेमाल। प्लास्टिक के कचरों के सड़कों को बनाने में उपयोग किए जाएंगे, साथ ही सड़क निर्माण के लिए बाहर से कचरा मंगवाने की जरूरत नहीं होगी। CM नीतीश ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता के साथ ही उसके रख रखाव व उसके निर्माण की निगरानी के लिए पदाधिकारियों को दिए निर्देश। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होगा बिहार। PM मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का निर्णय लिया था, जिसे बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा पहल में लाया गया है। हाल ही में शिक्षा विभाग के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने सभी जिलों में यह निर्देश दिया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के आसपास और विद्यालय परिसर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त किए जाए। गया के लिए करेंगे विकास कार्य सुशील मोदी। गया मंदिर के समारोह में उपस्थित डिप्टी CM सुशील मोदी ने कहा कि वे गया और बोधगया के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने पितृपक्ष मेले में आने वाले यात्रियों की सेवा करने और साफ सफाई रखने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने पितृवाटिका में 40,000 पौधे लगाने सहित पानी की एक एक बूंद बचाने की भी सलाह दी। CM नीतीश का कोई विकल्प नहीं है चिराग पासवान। लगातार CM नीतीश पर हो रही बयानबाजी को लेकर चिराग पासवान और लोजपा सुप्रीमो राम विलास पासवान ने अपना समर्थन प्रकट करते हुए कहा है कि भाजपा का चेहरा नीतीश कुमार ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है। खास इस बात को लेकर LJP संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश का कोई विकल्प नहीं है। 2020 के चुनाव के लिए राजद नेता तेजस्वी है सक्रिय। राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2020 में चुनावी कार्यक्रम को लेकर इन दिनों युवाओं को एकजुट करने में लगे हैं, जिसे लेकर 14 सितंबर को युवा राजद की एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर बैठक बुलाई गई है। इसमें राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद करी सोहेब के साथ ही सभी युवा इकाई पदाधिकारी भी होंगे शामिल। पितृपक्ष मेला हो चुका है शुरू। पितृपक्ष मेला के दौरान गया शहर के कई मार्गों में यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें शहर के सुबह के 3 बजे से लेकर 11 बजे रात तक बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद मेला क्षेत्र में छोटे वाहनों के जाने की अनुमति दी गई है। वाहन की पार्किंग के लिए सिकरिया बस स्टैंड और पॉलिटेक्निक परिसर सहित कई विशेष क्षेत्रों में व्यवस्था की गई है। गंगा नदी में अब मूर्ति विसर्जन पर लगेगी रोक। नमामि गंगे परियोजना के तहत चलाए जा रहे अभियान में DG राजीव रंजन मिश्रा ने प्रोजेक्ट के सभी कामों को 2020 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें यमुना की तरह गंगा में भी मूर्ति विसर्जन को रोकने के अभियान के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर में DG गंगा परियोजना के कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। तेजस्वी बोल पड़े, क्या नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई भी टैलेंटेड नहीं रहा? तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उनसे कड़े शब्दों में जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या भाजपा 37 सालों के बाद भी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई नया चेहरा नहीं खोज पाई है? क्या सिर्फ नीतीश के नाम पर ही वोट दिलवाते रहेंगे? क्या भाजपा के लिए बिहार में टैलेंट कम पड़ गया है? क्या नीतीश कुमार के 15% वोट के बिना भाजपा शून्य हो जाएगी? बिहार के जैसा ही झारखंड में करेंगे विकास RCP सिंह। इन दिनों झारखंड में होने वाली चुनावी यात्रा को लेकर जदयू बिना तीर के ही काफी मेहनत करते नजर आ रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय महासचिव RCP सिंह ने झारखंड में जनभावना यात्रा करने के दौरान यह ऐलान किया है कि जैसा विकास जदयू ने बिहार में किया है वैसे ही झारखंड में करेंगे। अब तक कोई विकास कार्य बिहार के जैसा झारखंड में नजर नहीं आया है। राजद सदस्यता अभियान 10 अक्टूबर तक। राजद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने सदस्यता अभियान कार्य के दौरान कहा है,
राजद के लिए कम से कम 50 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य रखे गए हैं, जिसके लिए बिहार के 534 प्रखंड में एक साथ ही सदस्यता अभियान करेंगे, जिसके बाद सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीटीएससी के तहत 9,299 स्टाफ नर्स और शिक्षक की नियुक्ति के लिए कर सकते हैं आवेदन। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंतर्गत सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले स्टाफ नर्स और शिक्षक के 9,299 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता और आवेदन की जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.pariksha.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इस पद के लिए डिप्लोमा इन GNM एवं BSc के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। आवेदन की अंतिम तारीख 26 सितंबर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू ही और नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश जारी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू ही बने रहेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के लिए पद पर रामचंद्र पूर्वे की जगह नए नेता का चुनाव किया जाएगा। तो अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि वो नया उम्मीदवार कौन है। गांधी जयंती पर हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर राज्य में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं सहित कई कार्यों की भी शुरुआत की जाएगी, जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत पंचायती राज विभाग सभी गांवों में घर घर कूड़ा उठाने का कार्य राज्य के सभी 8,386 पंचायतों के 1,14,000 वार्डों में कार्य करने की शुरुआत करेगी। उसके बाद अहर और 400 तालाबों की मरम्मत, जल जीवन हरियाली सहित कई योजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी। STET के BSEB में 37,335 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्दी करें आवेदन। बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा 2019 के लिए 37,335 पदों पर जल्दी आवेदन करें। इसके लिए आवेदन की समय सीमा 18 सितंबर तक है। किसी भी विषय से स्नातक, मास्टर डिग्री और BEd के अभ्यर्थी भी कर सकते हैं आवेदन। इसकी उम्र सीमा 21 से 37 साल पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 21 से 40 साल तक निर्धारित की गई है। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार www.basebstet2019 पर जाकर पूरी जानकारी के साथ आवेदन कर सकते हैं। शाहाबाद की महिला केसरी बनी बिहार के भोजपुर की राधा। बक्सर के डुमराव कोपवा गांव में आयोजित रामदरस सिंह पहलवान अखाड़ा में महिला पहलवानों की भागीदारी रही, जिसमें भोजपुर की राधा कुमारी एवं कैमूर के पूनम कुमारी के बीच शाहाबाद महिला केसरी का फाइनल मुकाबला हुआ। इसमें शाहाबाद की केसरी विजेता राधा कुमारी बनी और उप विजेता का खिताब कैमूर के पूनम को मिला। सीएम नीतीश ने किसानों को फसल चक्र अपनाकर खेती करने के लिए दिए सलाह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को जलवायु के अनुसार कृषि कार्यक्रम में भाग लेने और बारिश की मात्रा के अनुरूप फसल चक्र अपनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम में जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में फसल चक्र का प्रदर्शन किया जाएगा। इसका प्रस्तुतिकरण कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण ने दिया। जदयू प्रवक्ता संजय सिंह बोले, उन्होंने तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए कहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश का चेहरा हटा दिया जाता है तो राजद का प्रदर्शन 2010 से भी खराब हो सकता था, लेकिन महागठबंधन में राजद ने नीतीश के साथ चुनाव लड़ा। उस वक्त अगर नीतीश नहीं होते तो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव विधानसभा का मुंह भी नहीं देख पाते। जमालपुर से हावड़ा के लिए जाएगी कवि गुरु एक्सप्रेस। रेलवे ने अक्टूबर नवंबर महीने में भागलपुर से हावड़ा के बीच चल रही कवि गुरु एक्सप्रेस को अब जमालपुर से करने का निर्णय लिया है, जिसमें इसके बीच का ठहराव बरियारपुर और सुल्तानगंज भी दिया गया है। इस ट्रेन का परिचालन सुबह 4:30 बजे जमालपुर स्टेशन से होगा, जिसके बाद यह बरियारपुर और सुल्तानगंज स्टेशन से रुकने के बाद 5:45 पर भागलपुर पहुंचेगी। आपको बता दें कि इस ट्रेन में 14 जनरल और 1 AC चेयर कार कोच है। स्कूली बसों में अब गाना बजाने पर मनाही। स्कूली बसों में अब प्रशासन ने गाना बजाने पर रोक लगा दी है। साथ ही अगर परमिट, प्रदूषण एवं फिटनेस प्रमाण पत्र सहित किसी भी कागजातों के बिना वाहनों के चलाने पर उसका परमिट रद्द किया जा सकता है। बता दें कि प्रशासन ने स्कूली बच्चों और बसों की सुरक्षा हेतु ये कदम उठाया है। पितृपक्ष मेले की जानकारी और पिंडदान के लिए ऑनलाइन ऐप, जिसे क्लिक करने पर मेले की हर जानकारी उपलब्ध होगी। पिंडदान गया ऐप वर्जन 3 मोबाइल पर डाउनलोड करने के बाद हर जानकारी तीर्थयात्रियों को उपलब्ध होगी। इसमें रहने से लेकर ट्रेन और फ्लाइट की सूचना भी इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। इसके लिए वेबसाइट pitrupakshgaya.com पिंडदान की बुकिंग करा सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी नहीं ले रहे हैं संन्यास। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की अटकलें बीते दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसे लेकर BCCI ने इन सभी अटकलों का खंडन करते हुए बताया है कि धोनी के रिटायरमेंट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, उनके संन्यास की खबरें गलत है। इस बात को लेकर जब इस बात की चर्चा ICC विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद विकेट कीपर के संन्यास को लेकर धोनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
पटना नगर निगम के थर्ड पार्टी के तहत प्राइवेट एजेंसी द्वारा काम कर रहे कर्मियों को अभी तक नहीं मिला वेतन। पटना नगर निगम में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे कर्मियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। छोटी वेतन होने के बावजूद भी ये कर्मचारी अपने काम को बखूबी तरीके से मेहनत करते हुए निभाते हैं, जिसमें पूरे पटना को साफ और सुव्यवस्थित रखना है, जिसकी वजह से पटना आज स्मार्ट सिटी के मामले में नंबर 1 पर है। बता दें कि ये नगर निगम के प्राइवेट एजेंसी को दे रखा है, जिसमें एवरेस्ट ह्यूमन भी एक है, जहां 4 महीने तक काम तो करवाया है लेकिन अब तक इन्हें वेतन नहीं दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।